टेम्पल भी हो गया है, हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे क्योंकि आशिता मैडम ने हम लोग को थोड़ा सा मैप इधर उधर बताया, तो हम लोग पूरा नीचे गए, फिर उसके बाद हम लोग पूरा ऊपर आए हैं। सो दिस इज़ द टेम्पल पीछे। और आज बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और हम लोगों को पूरा नीचे से ऊपर तक कम से कम 15 मिनट्स का स्टेयर्स हैं, वहाँ से ऊपर आना था, और पूरी बारिश में हम लोग आए हैं। सो वी आर वेरी टायर्ड एंड गीले भी हो चुके हैं, तो देखते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बाकी के उसमें मैं बताती हूँ आपको। आप कश्मीर की ड्रेस है वो पहन के खिंचवा सकते हैं, रैबिट्स हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, काफ़ी अच्छा। और अंदर जाने, अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो मैंने अंदर कुछ लिया नहीं। बाकी देवी जी हैं अंदर, उनके दर्शन करिए फिर बाहर आइए। पानी वानी काफ़ी ठंडा है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, पेड़ भी बहुत बढ़िया हैं। सो हिडिंबा टेम्पल भी हमारा हो गया है, अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट जगह, वो आपको मैं बताऊंगी बाद में। इसके बाद हम लोग आए हैं मॉनेस्ट्री, टिबेटन मॉनेस्ट्री। सो हियर इट इज, हिडिंबा टेम्पल ऊपर है और उससे जस्ट नीचे 3.5 नीचे जब आप लोग आएंगे तो आपको मिलेगा टिबेटन मॉनेस्ट्री, जो कि आप ऐसा प्लीज़ मत आइएगा क्योंकि इट्स वेरी टायरिंग और आपके पैर हाथ बिल्कुल ही थम जाने वाले हैं और पैर हाथ बहुत दर्द देंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चल के आते हैं, बट हमारे पैर हाथ इतने से जम से गए थे कि अब ऑटो किया गया है, तो ऑटो से आए हैं। ऑटो विल टेक 100 to 150 रुपीज़ फ्रॉम यू। फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यू विल फाइंड द प्लेस वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। ये हम लोग, और बाकी ये प्लेग्राउंड है और छोटा सा ये कि सब इसके सामने फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं। सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। ये वही मॉनेस्ट्री का फ्रंट पार्ट है। यहाँ से व्यू देखने लायक, बहुत ही जिसको भी पसंद है भाई, जो भी मीठे का बहुत ज़्यादा शौकीन है, प्लीज़ डू विजिट दिस।
बेकरी, इट्स यम। हमने तीन चीज़ें ऑर्डर करी थी, एक कोल्ड कॉफ़ी, एक चार चीज़ें, वो तो चौथी बाद में आई ना, क्या एक हेज़लनट लाटे, एक हेज़लनट लाटे, एक कोल्ड कॉफ़ी। तो अकॉर्डिंग टू मी दीज थिंग्स शुड बी टेस्टेड एंड ट्राइड। सो हम लोगों ने तो ये सब खाया पिया और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट यहाँ का जो एनवायरनमेंट है भाई वो बहुत अच्छा, और यहाँ से व्यू भाई पहाड़ी पहाड़, और ऊपर तो बादल भी आ गए। मैं सब दिखाऊंगी इसके बाद, आई कैप्चर एवरी छोटे छोटे बादल ऑफ इट अगर मैं कर पाई तो। बाकी इसके बाद हम जा जाएंगे डिनर के लिए, तो फिर वो मैं आपको बताऊँगी। बाद हम वापस नीचे आ गए मॉल रोड घूमने, क्योंकि कुछ शॉपिंग थोड़ी सी बची थी, जैसे विंडो शॉपिंग वगैरह और टैटूज और वो फ्लैग जो लेने हैं, तो वो इन लोगों को यहीं पे मिलेंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ देखते हैं, बाकी भीड़ बहुत है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश का ये सीन रहता है कि फिर कुछ आप घूम भी नहीं पाते हो, ना ब्लॉग कर पाते हो, कुछ नहीं कर पाते। तो सोचते हैं कि बस एक जगह जाएं डिनर के लिए, फिर वहाँ पे जाके फिर आई टेल यू कि बहुत कौन सी प्लेस थी और कहाँ जा रहे हैं हम लोग वापस से। एरिया जो वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, कैफेटेरिया एरिया है, वहाँ पे यू कैन सिट एंड हैव योर लंच। दिस इज़ पूरा हॉस्टल, ये उनका रिसेप्शन एंड किचन उसके पीछे। बाकी पूरा पाथ बना है, वहाँ पे पूल भी है एंड टेबल टेनिस भी है, वेयर यू कैन प्ले एंड हैव फन विद योर फ्रेंड्स। दिस प्लेस इज़ फॉर द बॉन फायर, आई डोंट नो रात में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट या सच अ नाइस प्लेस। ऑल्सो मैंने आप लोगों को बोला था कि आफ्टर दैट डिस्को वाला चीज़ हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट पे खाएंगे वाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। बट वहाँ का खाना इतना अच्छा था कि हम लोगों ने वहीं पे लंच किया, सॉरी वहीं पे डिनर करा, और फिर वहीं पे हम लोगों ने पूरा नाच गाना किया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने बिल्कुल सब कुछ एंड करने के बाद वी केम बैक टू आर हॉस्टल एंड वी आर चिलिंग हेयर। और इसी बात पे अब मेरा व्लॉग आज का एंड होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। तो कल अलग चीज़ें होंगी, तो अलग चीज़ों के लिए आप स्टे ट्यून्ड और देखते रहिएगा पिक्सल प्लेस एंड शो योर लव एंड सपोर्ट।